हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब। पिछला वीडियो हम लोगों ने फर्स्ट बार आप इंडिपेंडेंस पे पूरे चैप्टर का देखा था, जो कि एक लॉन्ग वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई बटन पे उसकी लिंक है, आप उसको देख लीजिए। अब उस चैप्टर पे आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे हम एमसीक्यू के साथ में, ठीक। यानी एमसीक्यू पे उस चैप्टर से जो भी बन सकते हैं उस पे इसमें डिस्कशन करेंगे। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि एक तो पूरा चैप्टर यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा, दूसरे अब जो आपके बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उसमें एमसीक्यू पूछे भी जा रहे हैं, तो बोर्ड की भी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आइडेंटिफाई वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस उसमें आपने पढ़ा था, तो उसमें से कौन सा उसका फीचर है। फर्स्ट है द इंडियन रूलर्स हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रेसिडेंट एट कैपिटल्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। नेक्स्ट है अ स्टेट वॉज टेकन ओवर बाई द ब्रिटिश इफ द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर। थर्ड ऑप्शन है द ऑफिशियल्स ओपनली प्रीच्ड क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स इन द टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। नेक्स्ट है द ब्रिटिश ऑफिशियल्स टुक ऑल स्टेप्स टू कॉलोनाइज इंडिया एज एन एग्रीकल्चरल नेशन। इसमें से कौन सा करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। आपके पास है 5 सेकंड का टाइम, क्योंकि साथ में हम अब तक पढ़ते रहे हैं, ठीक। तो जितने लोगों ने आंसर ए किया है उन सबका सही है। आप लोग लास्ट में बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक। अब चलो इसका डिटेल देख लेते हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस के सारे फीचर्स यहाँ पर हमने बताए हैं। ये जो इतना मैंने ये टेक्स्ट उठाया है, ये जो प्रीवियस वीडियो थी उसी स्लाइड से उठाया है कि जस्ट आप देख सको कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। लॉर्ड वेलेजल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका इस वर्च्यू के थ्रू क्या होना था कि प्रिंसली स्टेट्स अपनी सॉवरेनिटी लूज कर देते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और इसके अंदर में ये होता था कि वो ब्रिटिशर्स को सुप्रीम पावर एक्सेप्ट कर लेते थे, अपने फॉरेन रिलेशंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर देते थे, ठीक। और इसके अलावा वो एक ब्रिटिश रेसिडेंट एक्सेप्ट करते थे। देखो इसको मैंने बोल्ड कर दिया है, ठीक। इसके अलावा अपनी ओन कास्ट पे ब्रिटिश ट्रूप्स रखते थे और इस तरीके से वर्चुअली अपनी इंडिपेंडेंस को क्या कर देते थे, लूज कर देते थे। और ये वो स्टेट्स हैं जो इसके अंदर अलायंसेस बने थे उसके, ठीक, सब्सिडियरी अलायंसेस बने थे। चलो बी ऑप्शन पे क्या है कि अगर ये नेचुरल हेयर वाला जो मामला है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स से बताओ ये किसके अंडर में था, ठीक। मतलब जैसे ये सब्सिडियरी अलायंस था, ये सब आपकी कौन पॉलिटिकल जो आपके पॉलिटिकल रीजन थे, ठीक है, उन पॉलिटिकल रीजन में जो उनका इंपीरियलिस्टिक अप्रोच था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, यानी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। उस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ने में एक सब्सिडियरी अलायंस आपने पढ़ा था और दूसरा ये भी पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। ये तो आपका सोशियो रिलीजियस में आता है और ये जो है ये आपका इकोनॉमिकल रीजन में आता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये है कि जैसे अभी आपने जो ये वाला ये देखा है ना, आपको पता है कहीं की कटिंग लगी हुई है, तो ये हमने क्वेश्चन जो उठाए हैं तो ये है ओसवाल गुरुकुल की इस क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंक आपको लेनी है, तो जैसे उसमें ये एमसीक्यू मैंने यहाँ से पिक किए हैं। इसके अलावा इसमें 60 क्वेश्चन, वेरी शार्ट, शार्ट, लॉन्ग सब क्वेश्चंस, उनके आंसर्स ये सब इस बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि ओसवाल की वेबसाइट पे और अमेजॉन पे है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू तो इसके दिखाई दे रहे हैं, खैर एमसीक्यू और भी है, मैंने भी ऐड किए हैं, अभी आगे आपको वो चीज़ मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम अ विक्टिम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी आपने कमेंट पीछे किया ही था कि जो नेचुरल हेयर वाला है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का है, ठीक, आपने कमेंट किया था ना। तो अब आपको बताना है कि ये जो ये स्टेट्स हैं लखनऊ, पूना, नागपुर और हैदराबाद, इसमें से कौन सा स्टेट है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विक्टिम बना, ठीक। चलो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओ। तो करेक्ट आंसर जो आपका है वो क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये वही स्लाइड का वो टेक्स्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली ने किया था, डलहौजी ने किया था। इसमें क्या था कि इफ एनी रूलर डाइज विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, इसीलिए है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक। तो अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स थे, सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, ये सब हैं। तो आप देख सकते हो कि नागपुर जो है, ठीक, वही इसमें कॉमन है, बाकी ना तो इसमें लखनऊ है, ना पूना है, ना हैदराबाद, यानी नागपुर इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following act mentioned that all recruits to the Bengal army had to serve everywhere within or outside India? मतलब एक ऐसा act आया, ठीक है, जिसमें ये चीज mention करी गई थी कि जो Bengal army है वो कहीं पर, चाहे India के अंदर हो या India के बाहर हो, ठीक है, कहीं पर भी serve करने के लिए deport करी जा सकती है।
तो वो कौन सा एक्ट था, क्या वो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था, क्या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट था, क्या रॉलेट एक्ट था, क्या सब्सिडरी अलायंस था। चलो यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं, जब आपको आंसर करना हो तो आप एक चीज उसमें कर सकते हो कि आप एलिमिनेट करना शुरू करो। आपको नहीं आता तो आप बोलोगे सर यार रॉलेट एक्ट का कोई मतलब है नहीं, सब्सिडरी अलायंस का यहाँ कोई मतलब है नहीं। अब आपको कंफ्यूजन बनती है कि जनरल सर्विस का है कि रिलीजियस डिसेबिलिटी। आप कहोगे सर रिलीजन से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, इसलिए रिलीजियस है नहीं, ठीक। तो ये कौन सा होगा, जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सर्विस से रिलेटेड है। खैर ऑप्शन पे आते हैं तो आंसर क्या है आपका, ए। ठीक, डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है, पिछले चैप्टर में। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ क्रॉसिंग टू सी वॉज ए टैबू फॉर सम इंडियन कास्ट, बट दिस एक्ट फोर्स देम टू डू सो, दिस लेड टू अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट अमंग देम। ये मिलिट्री रीजन है, और जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट है, कब आया था, 1856, डेट याद रखना। चलो आगे देखते हैं, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बंगाल गवर्नमेंट इन 1829 इन कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा में 1829 में बंगाल गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्या उर्दू क्लासेज, संस्कृत क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस या पर्शियन क्लासेस। आपको आंसर बताना है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी से, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, कि जो है ब्रिटिशर्स क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, उर्दू क्लासेस भाई वो क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, संस्कृत क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, पर्शियन क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, इंग्लिश क्लास इंट्रोड्यूस करेंगे। देख लेते हैं, सी आंसर करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट है। क्या है इसमें, ये रीजन आपने पढ़ा था सोशियो रिलीजन में कि फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, उसमें ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्कूल्स इंग्लिश क्लास, मतलब इंडियन स्कूल में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। एग्जांपल के लिए कलकत्ता मदरसा में इंग्लिश क्लासेस, ठीक, 1829 में, और फिर कुछ टाइम के बाद में बनारस संस्कृत कॉलेज में भी उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश क्लासेज इंट्रोड्यूस करी, ठीक। नेक्स्ट है, Who saw Western education as an attempt to discourage Islamic and Hindu studies? ये just पिछले वाले से related ही है ये भी, ठीक है, कि किसने ये चीज देखी कि Western education जो है वो Islamic और Hindu studies को discourage करने का attempt है, ठीक। ऐसा किसको लगा, कि Christian missionaries को लगा, क्या Muslims को लगा, क्या Brahmins को लगा, क्या पंडित और मौलवी दोनों को लगा, किसको लगा। तो आप कहोगे चलो चलो पहले आप फट से answer करो, आंसर करते रहो, जो लोग भी इसको देख रहे हो। खैर ये प्रीमियर वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है। आप लोग अगर कोई आपको लाइव लग रहा हो तो ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लाइव इंटरनेट की, जितनी जल्दी सही हो जाएगी हम आपको लाइव क्लासेस देंगे और सबका शाउट आउट भी करेंगे और सारे लोग जुड़ेंगे। तब तक आपको अभी फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी से देखते रहोगे बोर टाइम पे लोड नहीं बनेगा। तो कहोगे सर क्रिश्चियन मिशनरीज क्यों देखेंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं का काम है। मुस्लिम्स हाँ बिल्कुल सही है, ब्राह्मण्स बिल्कुल सही है, लेकिन डी ऑप्शन में दोनों की बात हो रही है, पंडित और मौलवी दोनों, इसलिए डी इसमें क्या है, करेक्ट है, ठीक है, डी इसमें क्या है, करेक्ट है। और पीछे वाले से इसका आंसर हम यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, द शिफ्टिंग ऑफ इम्फेसिस फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन वाज सीन एज अटेम्प्ट टू डिस्करेज ट्रेडिशनल इस्लामिक एंड हिंदू स्टडीज एंड टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, ठीक। यही चीज यहीं से है, फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन से इसका जो है वो डिटेल यहाँ पे है। सिक्स नंबर पे देखते हैं, विच आर्मी रेजिमेंट रिफ्यूज्ड टू सर्व इन सिंध इन 1844 टिल दे गॉट एन एक्स्ट्रा अलाउंस। एक्स्ट्रा अलाउंस की आपने देखा था कि किस तरीके से दूर दूर डिपोर्ट तो कर देते हैं, लेकिन किसी तरीके से एक्स्ट्रा पे या अलाउंस ये सब नहीं देते हैं, ठीक। ये एक मिलिट्री कॉज था, तो किसने मना किया था ये जाने से, क्या पंजाब रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट या सिख रेजिमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक। चलो आप लोग आंसर करो, देखते हैं किसने, कौन सही आंसर करता है, कि कौन सी रेजिमेंट ने मना किया था कि जब तक एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दोगे, ठीक, हम सिंध में सर्व नहीं करेंगे। चलो आंसर नंबर सी, यानी बंगाल रेजिमेंट ने मना किया था, ठीक। किसने मना किया था, बंगाल रेजिमेंट, आपको पता है कि जिस रेजिमेंट ने सबसे पहले जो है प्रोटेस्ट किया था, रिवोल्ट किया था, बंगाल रेजिमेंट ही थी, ठीक। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉस इन विच वॉर रिवील्ड द वीकनेस ऑफ द ब्रिटिश। आपने उसमें देखा था मिलिट्री कास्ट में कि ये भी हुआ था कि ब्रिटिशर्स की कुछ वार्स की वजह से ब्रिटिशर्स की वीकनेसेस जो हैं वो इंडियंस के पास में, जो इंडियंस थे उन्होंने देखी थी, मतलब जो उसके रीजन आपने देखे थे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के, उसमें ये भी था कि ब्रिटिशर्स की वीकनेसेस दिखी थी, जिसमें कि जो है वो कौन सा रिवोल्ट था, संथाल, तो संथाल से जब वो डिफीट हुए थे, और कुछ से डिफीट हुए थे, कुछ मतलब इसलिए कि ये चार ऑप्शन है,
हम बाद में बताएं, क्या एंग्लो मैसूर वार से, क्या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से, क्या बैटल ऑफ प्लासी से, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार से। आप कहोगे नहीं सर, बैटल ऑफ प्लासी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं है। तो क्या एंग्लो मैसूर वार से है या फर्स्ट एंग्लो अफगान वार से है? तो एंग्लो मैसूर वार से भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, दैट इज फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। ठीक, ये आपने हेडिंग पढ़ी थी कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रू, द ब्रिटिश सफर्ड मेजर रिवर्सेस वेयर अफगान वार में। ठीक, जिसको एंग्लो अफगान वार कह सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 1838 से 42 के बीच में हुआ था। फिर एंग्लो सिख वार में जहाँ पे रानी जिंदा थी वहां पे, ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह के टाइम पे, तो यहाँ पे 1845 से 49 के बीच, यहाँ भी इनको रिवर्सेस झेलने पड़े। इसके अलावा क्रीमियन वार में और इसके अलावा संथाल रिवोल्ट में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? कौन सा इमीडिएट कॉज था? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राउन बेस गन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। इससे आसान तो आपको क्वेश्चन नहीं ही मिलने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जल्दी से। चलो लाइव नहीं, इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो लोग आंसर कर रहे हो लास्ट में बताओगे कि जिसके सबसे ज्यादा सही होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम पक्का यहाँ से लूंगा। चलो, इसका आंसर क्या है? बी, जिसने बी दिया है बिल्कुल सही दिया है। इनफील्ड राइफल का जो इंट्रोडक्शन था उसी से ऐसा हुआ था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1856 में जब जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया था, ऐसे रिलेट करो कि 1856 में और क्या हुआ था, क्योंकि सर जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया था उसी टाइम पे ये इनफील्ड राइफल भी इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसमें क्या था, इसका जो कार्टिज है वो माउथ से बिटिंग ऑफ करना पड़ता था, ठीक है। और ये वहां पे एक र्यूमर फैली कि वो जो ग्रीस कार्टिज है जिसको माउथ से बिट करना पड़ रहा है, उसमें काऊ या फैट की, काऊ या पिग की जो है फैट है। और आपको पता है काऊ जो है वो हिंदूज के लिए सेक्रेड एनिमल है, और पिग जो है मुस्लिम्स के लिए एक गंदा जानवर है, और इसलिए वो दोनों लोग उसको माउथ से नहीं लगा सकते थे। और इसलिए जब भी उनको कहा गया कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तो अपराइजिंग हुई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द इंडियन सिपाहीज रिफ्यूज टू गो आउटसाइड इंडिया? ठीक, आपको पता है कि इंडियन सिपाही ने देश के बाहर जाने से मना कर दिया था, उसका क्या रीजन था? सी, वेज वाज फॉरबिडन बाय देयर रिलीजन, दे फियर्ड दे वुड कैच इन्फेक्शन एंड डिजीज, दे फियर्ड सी स्टॉर्म्स, दे फियर्ड अटैक बाय द पायरेट्स। आंसर करो, क्या इसमें से सही है? करेक्ट आंसर ए सही है, क्योंकि ये जो है ये था एक रिलीजियस टैबू था। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में आया था, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ थी, उसमें ये था कि क्रॉसिंग सी वाज टैबू फॉर सम इंडियन कोस्ट, और इसलिए उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज किया बाहर जाने से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड नाना साहब डू विद द एनरमाउस वेल्थ दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम द एक्स पेशवा? ठीक, यानी जो बाजीराव सेकंड थे उनके अडॉप्टेड सन थे, कौन, नाना साहब। और इनको जो डिसरेस्पेक्ट शोन करी गई, आपने सबसे पहले वाले रीजन में आपने देखा था, पॉलिटिकल रीजन में, कि बहादुर शाह जफर को और नाना साहब को जो डिसरेस्पेक्ट शोन करी गई, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया, तो नाना साहब के पास जो इसके पहले खूब सारी वेल्थ थी उसका उन्होंने किया क्या? सबसे पहला, ही ब्राइब्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू विन बैक हिज टेरिटरी, मतलब उन्होंने अंग्रेजों को घूस दिया कि हमारी टेरिटरी हमको फिर से वापस कर दो। ही सेंट इमेसरीज टू एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल स्कूल्स, उन्होंने अपना सारा वेल्थ जो है वो अपने जो स्कूल्स खोलने के लिए भेज दिए। ही सेंट इमेसरीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द इंडियंस अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज, उन्होंने अपना सारी एमिसरी जो है वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट में भेजा, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश पॉलिसीज के। ठीक, यही सही है, फिर भी हम जो है नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ही इनकरेज द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू पे हिज पेंशन बाय ब्राइबिंग देम, अंग्रेजों घूस दे करके उनसे कहा कि तुम हमको जो है हमारी पेंशन दो। तो करेक्ट क्या है? सी करेक्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल हाई ऑफिसेस इन द वेयर एंड वेयर? कोर्ट एंड क्लब्स से, कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, या एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से? ठीक, आंसर करिए, आंसर करिए, क्या करेक्ट है? ठीक, बहुत सही, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है वो सब सही है, आर्मी से। ठीक है, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक, यानी आर्मी में भी सूबेदार रैंक से ऊपर उनकी पोस्ट नहीं होती थी, बिलिक प्रमोशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही हाल था। क्वेश्चन नंबर 12, द डैश एंड डैश वेयर लुक्ड डाउन अपॉन एज मींस टू ब्रेक सोशल आर्डर एंड कास्ट रूल्स। सोशल आर्डर और कास्ट रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, ऐसा कहाँ पे, ऐसा जो है किन लोगों ने देखा? ठीक है, किन लोगों ने देखा, कहाँ पे देखा गया? ठीक, आर्मी और कोर्ट में, वेस्टर्न एजुकेशन और लॉयर्स, पंडित और मौलवीज, या रेलवे एंड टेलीग्राफ? ठीक, तो रेलवे और टेलीग्राफ में ऐसा हुआ था, आंसर नंबर डी सही है। 13,
शिफ्टिंग ऑफ इम्फेसिस फ्रॉम वेयर टू वेयर वॉज नॉट वेल रिसीव्ड बाई द पीपल। ठीक, तो आप इसको पढ़ चुके हो कि शिफ्टिंग ऑफ, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश टू संस्कृत, वेस्टर्न एजुकेशन टू ओरिएंटल लर्निंग, संस्कृत टू पर्शियन, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन, ये आपने पढ़ा है फियर्स रिगार्डिंग टू वेस्टर्न एजुकेशन, और इसमें आपने पढ़ा था कि दिस शिफ्टिंग टू इम्फेसिस फ्रॉम, कौन सी दिस शिफ्टिंग, कि कलकत्ता मदरसा में इंग्लिश क्लासेस खुली और बनारस संस्कृत कॉलेज में जो है इंग्लिश क्लासेस खुली, तो ये जो इम्फेसिस है फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन वाज सीन एज एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज ट्रेडिशनल इस्लामिक एंड हिंदू स्टडीज एंड टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्ट्रेटेजिक प्लेसेज लाइक डैश एंड डैश डिड नॉट हैव ब्रिटिश आर्मीज, कहां कहां पे ब्रिटिश आर्मीज नहीं थी? ठीक, कहां कहां पे ब्रिटिश आर्मीज नहीं थी? बंगाल और मद्रास में, दिल्ली और इलाहाबाद में, मैसूर और पूना में, या लखनऊ और मैसूर में, कहां पे नहीं थी? ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। तो जिसने बी बताया है वो सही है, दिल्ली और इलाहाबाद में नहीं थी। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, ये आपने हेडिंग पढ़ी थी, ठीक है, मिलिट्री कॉजेज में, और उसमें आपने पढ़ा था कि प्लेसेज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद, ठीक, दिल्ली एंड इलाहाबाद हैड नो ब्रिटिश आर्मी, और क्यों नहीं थी, उसका भी रीजन है एज दे वर इंगेज्ड इन सेवरल वार्स आउटसाइड इंडिया, और ये एक चांस बना क्या, रिवोल्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से याद दिला देते हैं कि ये जो है वो सवाल गुरुकुल के पेजेस हैं जहाँ से हमने एमसीक्यू उठाए हैं, इनके शार्ट आंसर्स, वेरी शार्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन और आंसर्स हैं क्वेश्चन बैंक में, आप इसको परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन जनवरी 1857 देयर वाज अ रूमर इन द बंगाल रेजिमेंट कार्टिजेस यूज्ड फॉर द इनफील्ड राइफल्स वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ व्हाट एंड व्हाट, यानी बंगाल रेजिमेंट में एक रूमर थी 1857 की जनवरी में कि कार्टिजेस जो हैं, ठीक, उसमें उसकी जो इनफील्ड राइफल्स हैं उनमें फैट यूज हो रहा है, किसका, बफेलो और काउस का, एग और चिकन का, काउ और पिक्स का, या पिग एंड बफेलोस का, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक, जिन्होंने बी किया है सबका सही है। ठीक, ये अभी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने हाईलाइट कर दिया जो आंसर है, देयर वाज र्यूमर दैट द ग्रीस्ड कार्टिज हैड द फैट ऑफ काउ और पिग। शेयर करके और लोगों को यहाँ पे जोड़ लो, वो भी आंसर करें, जिससे आपको का एक कंपटीशन भी यहाँ पे हो जाएगा, आप जान सकोगे कि आपके फ्रेंड्स और आप में कितना है, मतलब कौन ज़्यादा जान रहा है कौन कम जान रहा है, लेकिन इस तरीके से कोई मतलब मलेशियस प्रैक्टिस नहीं है ये, बस जस्ट एज अ पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक, ये चलो डेट पे आ गए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। ठीक, पहला है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, दूसरा है द फर्स्ट अफगान वार, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, द एबोल्यूशन ऑफ सती, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से इसको ऑर्डर में सेट करना है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये सब आपको ऑर्डर में सेट करना है। आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप लोग ये आंसर करोगे तो ठीक रहेगा, तब तक हम पानी पीते हैं। चलो आंसर देख लेते हैं, तो आंसर डी जितने लोगों ने दिया है सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ के सीरियल में, ठीक, उनका करेक्ट है। देख लेते हैं, देखो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट जो है ये 1856 में आया, दो बार अभी हम आपको इसके पहले याद दिला चुके हैं ये चीज। ठीक, फर्स्ट अफगान वार जो है वो 1838 से 42 के बीच में हुआ, ये भी अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, जिसमें आया था कि जो है ब्रिटिशर्स कहाँ पे डिफीट हुए, मतलब रिवर्सेज झेलने पड़े। फिर द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ये 1850 में हुआ, और एबोलिशन ऑफ सती, ये 1829 में हुआ। तो इसको हम सीरियल में सेट करेंगे, तो सबसे पहले इन सब में कौन सा हुआ था, तो ये पहले आर्डर पे आएगा, इसके बाद में जो कि 42 के बीच में है, इसके बाद में फिर नहीं, सबसे पहले 18 ये वाला आएगा, 1829 वाला, ठीक, ये पहले पे आएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ से ये
अपोजिट तरीके से, इसलिए इस तरीके से हो रहा है ना। आंसर ये कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए शायद। फोर वाला पहले पे आएगा, इसके बाद में आएगा सेकंड वाला, इसके बाद में आएगा थर्ड वाला, और इसके बाद में आएगा फर्स्ट वाला। नहीं, डी नहीं होना चाहिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक, माई बैड माई बैड। चलो समझ गया ना, डेट सबकी दी हुई, ये करेक्ट है, और ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं करेक्ट है। ठीक, ये डी और बी का कन्फ्यूजन हो गया, डिस्लेक्सिया हो गया यहाँ पे, ये होना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इनाम कमीशन, बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड एंग्लो मराठा वार और द विडो रिमेरिस एक्ट। ठीक, ये कौन से सीरियल में है, चलो जल्दी से बताओ आप लोग। चार ऑप्शन आपके पास में है, टाइम दे रहे हैं आपको। चलो हम ही बताते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है इसमें, सी। देख लेते हैं कैसा ऑर्डर है। तो जो इनाम कमीशन है 1852 में आया था। ठीक, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो अपना पेपर नहीं दिखा पाए थे उनका सारा जो लैंड प्रॉपर्टी सब कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817-19 में हुआ था। ठीक, जिसमें पूरी तरीके से मराठा पावर कोलैप्स हो जाती है। विडो रिमेरिज एक्ट आया था 1856 में। यहाँ पे थे आपकी ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, जिनकी जिनके काफी ज्यादा इफर्ट्स थे। तो अब इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करोगे तो कौन सा सेट बैठेगा, तो आप कहोगे सबसे पहले इसमें 1757 वाला आएगा, यानी सेकंड वाला सबसे पहले आएगा। इसके बाद में 1757 के बाद में ये वाला थर्ड वाला आएगा, इसके बाद में फिर 1852 वाला यानी फर्स्ट वाला आएगा, फिर 1856 यानी आएगा फोर्थ वाला, यानी सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर, सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर, ये वाला सही है। चलो इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है, कॉलम मैचिंग वाला है। ठीक, चलो साथ में पढ़ते हैं और फिर तुरंत आंसर कर देना, क्योंकि अलग से टाइम नहीं देंगे। द सिपाइज वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर होम्स विदाउट एनी एडिशनल अलाउंसेस। ठीक, ये क्या है, ये इल ट्रीटमेंट है ऑफ इंडियन सोल्जर्स बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये है कि लॉस ऑफ अफगान वार बाय ब्रिटिश है, कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट है, या लो सैलरी है। तो आप कहोगे सर ये तो ये है। द ऑफिसर्स ट्रीटेड देयर सोल्जर्स लाइक मेनियल सर्वेंट्स दो दे वर एक्सपीरियंस्ड मेन Who had conquered several kingdoms for their masters. मतलब इवन जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए ही बहुत सारे किंगडम जीते थे, फिर भी उनके साथ में सही से ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो ये इल ट्रीटमेंट। दिस इंक्रीज्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु फेल्ट दे कुड चैलेंज द ब्रिटिश इन इंडिया आल्सो। किस चीज ने ऐसा किया, जो अफगान में ब्रिटिशर्स हारे तो इससे इनको एक बूस्ट मिला, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि ये लोग ब्रिटिशर्स को डिफीट कर सकते हैं। तो अब एक एक ही चीज बचा, इंडियन सोल्जर्स कुड बी सेट ओवरसीज ऑन ड्यूटी। अच्छा, इसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया क्या, ये तो लो सैलरी से मैच कर रहा है। चलो आंसर देख लेते हैं, फिर से मैचिंग कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला डी से मैच करना था दरअसल हम लोगों को। ठीक है, फार अवे फ्रॉम देयर होम्स विदाउट एनी एडिशनल अलाउंसेस। हाँ, बात इसमें जो है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के में ही ये आएगा, लेकिन ये लो सैलरी से ये वाला होगा। रुको, इरेज करके फिर से मैच कर लेते हैं। ठीक है, फिर से मैच कर लेते हैं, माई बैड माई बैड। ये लो सैलरी से होगा और ये जाएगा आपके जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट से, ये आपका जाएगा इससे, और फिर आपका कौन सा बच्चा, ये वाला बी से जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका इसमें क्या है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पर्सनालिटी को आपको पहचानना है कि ये भाई साहब कौन है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड वेलेसली है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इमेज जो आपकी बुक में बने हुए हैं वो इमेजेस आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी कर लो, आपकी किसी पब्लिकेशन की बुक में मान लो लॉर्ड वेलेसली है तो आपकी बुक में किस तरह बने कि वो गूगल पे देख के उनके जो इमेजेस हैं वो देख लो, कि कहीं अगर अलग से इमेज उठा दिए तो आप ये चीज पहचान लो। इमेज से क्वेश्चन आते हैं, केवल आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन है। ठीक, तो आपने अगर लॉर्ड वेलेसली बताया तो आप सही हैं। अब एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन है कि द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रूड एंड अरोगेंट टुवर्ड्स द इंडियंस। द ऑफिसर्स बिलीव दैट दे वर सुपीरियर टू इंडियंस एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द इंडियंस। ये आप ऐसे क्वेश्चंस किए ही होंगे। इसमें देखो, अगर आप ए आंसर करेंगे इसका मतलब ये होगा कि दोनों करेक्ट हैं, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और जो आर वाला है ना वो ए को एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी ए में एड ही कर रहा है। अगर बी आंसर करेंगे इसका मतलब होगा दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, अगर सी करेंगे इसका मतलब ए वाला सही है, बी वाला गलत है। ठीक, यानी ए सही है और आर गलत है। अगर आप डी करेंगे इसका मतलब ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक,
तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो जिन्होंने आंसर नंबर ए किया है वो सब सही है, क्योंकि ये सेम चीज है, क्योंकि एक तो रूड और अरोगेंट थे इंडियंस से, और वो इसीलिए थे क्योंकि वो अपने को क्या समझते थे, सुपीरियर समझते थे। चलो नेक्स्ट, ये भी असेसन रीजन का है। इन द रेलवे कंपार्टमेंट पीपल ऑफ ऑल कास्ट हैड टू सिट टुगेदर एंड दे वर जनरल एक्सेप्टेंस। क्या जनरल एक्सेप्टेंस थी इस पे जो है लोगों को किसी तरीके से विरोध नहीं किया, लोगों ने सबने एक्सेप्ट कर लिया, अरे नहीं सर इसे तो बवाल हुआ था तो ये गलत हो गया। ठीक, द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स वर लुक्ड डाउन अपॉन एज मींस टू ब्रेक सोशल ऑर्डर एंड कास्ट रूल्स। हाँ बिल्कुल ये सही है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो कहोगे डी। ठीक, आंसर डी। चलो नेक्स्ट, द पीजेंट्स वर डिसकंटेंटेड विद द ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ देयर लैंड। भाई बिल्कुल सही है कि जो किसान थे वो ब्रिटिशर्स की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आती थी उनसे काफी परेशान थे, और उसके रिजल्ट में वो उनके लैंड्स अपने लूज कर देते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटेन डिस्ट्रॉयड द इंडियन इंडस्ट्रीज। ये चीज सही है, लेकिन क्या एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है? कहोगे नहीं सर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या सही है? बी, मतलब इन दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये आपका हो गया इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और ये आपका पीजेंट्री से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाउंस्ड दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह कुड नॉट यूज इंपीरियल टाइटल्स। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था दो लोगों ने दो बातें कही हैं। एक लोगों ने कहा है कि बहादुर शाह के जो सक्सेसर होंगे वो अब जो है वो रेड फोर्ट को अपना इंपीरियल पैलेस नहीं यूज कर सकेंगे, और अगले ने कहा था कि अब उनके सक्सेसर इंपीरियल टाइटल्स नहीं यूज कर सकेंगे। और तभी मैंने कहा था जब मैं पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था कि ये जरूर याद कर लेना, और बेटा फिर यहां से कह रहा हूँ कि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आंसर बताओ जल्दी से, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, जल्दी बताओ। ठीक, जिन लोगों ने ए करेक्ट किया है वो सही है, और फिर से यहाँ पे हम बताए दे रहे हैं आपको कि लॉर्ड डलहौजी ने कहा था 1849 में कि बहादुर शाह के सक्सेसर जो है वो अब रेड फोर्ट को यूज नहीं कर सकेंगे। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने, यानी इसने कहा था कि रेड फोर्ट नहीं यूज कर सकेंगे। और फिर 1856 में, यानी उसके ठीक 7 इयर्स के बाद में, लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा कि अब इंपीरियल टाइटल भी यूज नहीं कर सकेंगे। तो आपको लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, डी पहले आएगा सी बाद में आएगा, सी और डी नहीं आएगा, डी और सी आएगा। तो आपको डी सी डायरेक्ट करंट याद रखना है सीरियल। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 1857 म्यूटनी। देखो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है। आज के बाद आपको इस फर्स्ट चैप्टर से कहीं भी किसी भी तरह का डाउट या कुछ अलग से याद करना कुछ नहीं रहेगा, बहुत बेनिफिशियल है। और जिनको आप दिल से चाह रहे हो ना, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब वही जो रिवोल्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो जीके का बहुत जीके क्वेश्चन हुआ है, तो खुद ही कोई भी पूछ सकता है, रास्ते चलते पूछ सकते हो कि भाई जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ उस समय इंडिया गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड एल्गिन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड एलनब्रो थे। ऑप्शन काफी आसान हो गए हैं, ठीक, इसलिए आप बहुत आसानी से बता ले जाओगे। तो बताओ भाई जल्दी से, आप कहोगे तो एल्गिन और एलनब्रो का नाम ही मैंने पहली बार सुना है, डलहौजी और कैनिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, खैर जिन्होंने कैनिंग बताया वो सही है। द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वाज, लखनऊ में लीडर कौन था? ठीक, ये इवेंट से क्वेश्चन है। तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बिरजिस कादिर या बेगम हजरत महल। तो जो वाजिद अली शाह की बेगम थी, बेगम हजरत महल, ये कौन थी लीडर? आप कानपुर रोज इन रिवोल्ट। ठीक, मतलब भले ना समझ में आया आपको किसकी लीडरशिप में कानपुर में जो है वो रिवोल्ट हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत या अमर सिंह? तो क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली हैं, बेगम हजरत लखनऊ वाली हैं, अमर सिंह का तो आपने नाम नहीं सुना है चैप्टर में, तो नाना साहब हैं कानपुर में, जो कि मराठा पेशवा थे, अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के। ठीक, भी सही है। फ्रॉम वेयर 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कानपुर, झांसी, लखनऊ या मेरठ? बच्चा बच्चा जानता है कि मेरठ से हुआ था। ठीक, सिपॉय डिक्लेयर्ड द मुगल किंग एज द एम्परर ऑफ इंडिया, यानी जब रिवोल्ट हुआ तो उन लोगों ने, अब आपको कहानी पता है कि मेरठ में रिवोल्ट किया, मेरठ से दिल्ली चल कर गए और दिल्ली में किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके और उसको इंडिया का एम्परर डिक्लेयर किया था। किसको? किसी को नहीं, सिकंदर शाह को, आलम शाह को या बहादुर शाह सेकंड को? तो बहादुर शाह सेकंड को, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ डैश रानी लक्ष्मीबाई डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी रानी लक्ष्मीबाई जो डिसकंटेंट थी उसका रीजन क्या था? लैप्स पॉलिसी थी, नॉन अलाइन मूवमेंट था, सब्सिडरी अलायंस था या कोई नहीं था? तो नॉन अलाइन मूवमेंट अभी यहाँ आया ही नहीं,
सब्सिडरी अलायंस में, सब्सिडरी अलायंस का रीजन नहीं था, इनका रीजन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, आपने पढ़ा था, मैंने फोटो लगाया था झांसी की रानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू एनी, इसमें यह है द ब्रिटिश आर्मी और रीऑर्गेनाइज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी ये कॉन्सिक्वेंस से क्वेश्चन है। तो इसमें यह है कि फिर क्या हुआ, एनेक्स द इंडियन स्टेट रथलेसली, यानी फिर से क्या हुआ, जब आर्मी फिर से रीऑर्गेनाइज हुई वो क्या करेंगे, फिर से इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करेंगे, कंकर इंडियन रूलर्स एंड गिव मोर पावर्स टू, ये ऑप्शन बी है और यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक, और ये डी है, अब समझ में आपको आएगा। दूसरा ऑप्शन है इंडियन रूलर्स को कंकर करेंगे, तीसरा ईआईसी को मोर पावर मिलेगी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और चौथा है प्रिवेंट फ्यूचर रेबेलियंस, आगे फिर से और रेबेल्स ना हो ये रोकेंगे। तो ये तो एनेक्सेशन की पॉलिसी उन्होंने क्विट कर दी थी। ठीक, कंसिक्वेंस में इंडियन रूलर कंकर करने की बात छोड़ दी थी, उनको अपने सहयोगी मान लिया था, इससे तो पावर छीन ही ली गई थी और ब्रिटिश क्राउन को चली गई थी, यानी ये काम जरूर किए गए थे कि आगे फिर रिवोल्ट ना हो, इस पर काम किया गया था। ठीक, तो सी वाला सही है, दरअसल सी इसलिए लिख दिया गया क्योंकि यहाँ पे सी लिखा था। ठीक, जो मैंने करेक्ट किया इसके बाद में ये भी डी हो जाएगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मिल जाएगी। ठीक, करियर एग्जाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें डाल देंगे, उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप ये वाली वहां से ले सकते हो। नाना साहब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ, नाना साहब किसके अडॉप्टेड सन थे, बाजीराव सेकंड के, बहादुर शाह के, मंगल पांडे के, आनंद राव के। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है, बाजीराव सेकंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट स्टेटमेंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मींस दैट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है, व्हेन अ किंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स डाइज विदाउट एनी नेचुरल हेयर द किंगडम विल कम अंडर द ब्रिटिश क्वीन, या ब्रिटिश क्वीन के अंडर में आएगा, कहोगे नहीं ये आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। When a king of a dependent state dies without any natural heir, the kingdom will come under the company. बिल्कुल सही है, खैर और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। When a king of an independent state dies without a natural heir, a kingdom will come under the company. क्योंकि सर इसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर बेटा यही है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट है और ये डिपेंडेंट स्टेट है। जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने एक चीज कहा था, हो सकता है आपको ध्यान हो, मैंने कहा था मैं भी बहुत पहले कंफ्यूज रहता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कहाँ हुआ था, तो ये उन्हीं के साथ लागू हुआ था जो पहले सब्सिडरी अलायंस के अंदर थे, यानी पहले से डिपेंडेंट स्टेट्स थे उसी में जो है ये लागू हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसलिए ये वाला सही, इंडिपेंडेंट के साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कोई लेना देना है, तो इसलिए आल करेक्ट नहीं है, करेक्ट आपका कौन सा है, बी। चलो आगे देखते हैं, व्हेन वाज द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कब हुआ। ठीक, तो 1858 में। ठीक, यानी जस्ट रिवोल्ट के बाद। Choose among the following the immediate military cause of the uprising of 1857. इसके पहले आप इसको पढ़ भी चुके हो, तो मिलिट्री काजेस कौन कौन से हैं, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एंड एनलिस्टमेंट एक्ट, हाँ बिल्कुल, डिसकंटेंट एंड डिससेटिस्फेक्शन इन द बंगाल आर्मी ऑफकोर्स, इंट्रोडक्शन एट ऑफ इनफील्ड राइफल्स ऑफकोर्स। ठीक, इमीडिएट मिलिट्री काज पूछा गया है। ठीक है, तो इमीडिएट मिलिट्री काज पे अगर आप बात करोगे तो आप केवल सी को कहोगे, इमीडिएट। ठीक, अगर सभी मिलिट्री काज पूछोगे तो ये सारे सही है, तो इसलिए आपका यहाँ पे सी सही है, डी सही नहीं है। ठीक, इमीडिएट पे जब बात करोगे, जब इमीडिएट पे बात करोगे तब इनफील्ड राइफल ये मिलिट्री काज ही है। ठीक, और बाकी ये सारे हैं मिलिट्री काज ही। ठीक, तो इसलिए सी सही है। टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे बिलोंग, मंगल पांडे किससे थे, हम जब पढ़ा तो हमने कहा था याद कर लो किससे हैं, तो 19 इन्फेंट्री जो है, इसने सबसे पहले जो रिवोल्ट किया था तो उसको डिसबैंड कर दिया गया था, और जिसने एडजुटेंट को मारा था वो मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे, यानी ए वाला क्या है, करेक्ट है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रिवोल्ट लेड बाय कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ने कहां पे जो है रिवोल्ट किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिहार में। ठीक, जीतने नहीं दिया था यहाँ पे अंग्रेजों ने, जब ये कुंवर सिंह मर गए हैं इसके बाद यहाँ पे रिकैप्चर हो पाया है। 37, इन विच कंट्री वाज बहादुर शाह सेकंड एक्साइल्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द एंड ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस। ठीक, तो यंगून में भेजे गए थे, यंगून जो है कौन सी कंट्री में है। ठीक, बर्मा, जिसका अभी नाम म्यांमार है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सब्सिडरी अलायंस। ठीक, सब्सिडरी अलायंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, द किंग्स वर्चुअली लॉस्ट देयर पावर्स ऑफ कोर्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, अभी बताना भाई, द किंग्स हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एट देयर कॉस्ट सही है, दे हैड अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन देयर कोर्ट सही है, अब ये पर बताओ, मैंने पहले ही बता दिया, अभी बताना भाई, एक तो गलत है, ये तो कह दोगे हाँ सर यही गलत है, तो कौन था भाई, लॉर्ड डलहौजी नहीं तो कौन थे, ये गलत है, मैंने बता दिया आंसर, सी सही है, सी सही है, नहीं भाई बी, बी ठीक, गलत टाइप हो गया है, बी।
अब आप ये बता दो कि बी यानी लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो किया किसने, ये आप कमेंट बॉक्स का काम है, कमेंट में आप लिखोगे 38 में ये सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट 39। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, एंड ऑफ द कंपनीज रूल है, एंड ऑफ द मुगल एंड पेशवा है, रेशियल एंटेगोनिज्म है, चेंजेस इन द आर्मी है। ठीक, यानी ये सारे सारे जो हैं वो कॉन्सिक्वेंस हैं। ठीक, ये नॉट यहां से हटाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, कुछ टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो गई है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे, और मुझे लगता है आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं बैठा पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसमें ये सारे सही है कि सभी जो है वो कॉन्सिक्वेंस हैं। ठीक, नहीं सभी हैं, और ये है शायद आपका लास्ट क्वेश्चन। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, इसमें बताओ कौन सा जो है वो नॉट, यहाँ पे नॉट वाला क्वेश्चन है, ये सही है। द गवर्नर जनरल हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय, मतलब क्या गवर्नर जनरल को वायसराय की टाइटल दे दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। लॉर्ड डफरिन बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वायसराय थे। द पावर टू रूल इंडिया वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन बाई EIC, बिल्कुल सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन को चली जाती है। द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर एबोलिश्ड, बिल्कुल बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एबोलिश हो जाते हैं और वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है, आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ पर थे। सेशन कैसा लगा आप बताइएगा, और आप कितने मार्क्स अचीव कर पाए, हमने कहा था कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, और जो हाईएस्ट 4-5 मार्क्स वाले होंगे उनको मैं अगले वीडियो में उनको मैं बिल्कुल शो करूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं वहाँ पे बताऊंगा कि ये जो है हमारे टॉपर्स हैं इस क्विज के। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए ये भी आप कमेंट करो, और जल्दी अगली वीडियो लेकर के आते हैं, और मिलते हैं आपको, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टेक केयर एवरीवन।